टैटू मैन। दूपुर नाम के गांव में करण सिंह नाम का ब्याज व्यापारी रहता था। वो बहुत कंजूस और लालची था। जरूरतमंद लोगों को कर्जे में पैसा देकर उनसे ब्याज के ऊपर ब्याज वसूल करता था। उसकी हरकतों को देखकर सभी उसे कंजूस सिंह कह के पुकारते थे। वो बड़े सावधानी से वसूली का हिसाब एक किताब में लिखता था। एक बार वो छोटू नाम के युवक के पास आकर, क्यों रे बदमाश, हर महीना सही टाइम पे ब्याज क्यों नहीं भर रहा है? रोज कुछ ना कुछ बहाना बना रहा है, निकम्मा कहीं का, कह के चिल्लाया। भैया, असल का पैसा लेकर बहुत दिन हो गए, ब्याज के ऊपर ब्याज कहाँ से लेकर भरेंगे? थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तुमसे कैसे वसूल करना है वो मुझे अच्छी तरह से मालूम है। ये स्कूटर लेकर जा रहा हूँ, पैसा वापस करने के बाद ले जाना, कहकर स्कूटर ले जा रहा था। भैया, उसको ब्रेक नहीं है, ब्रेक डालने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए बाजू में रखा है, उसको लेकर मत जाइए, वो बहुत खतरनाक है, कहा। ये सब बातें मुझसे मत कर, कहकर स्कूटर लेकर चला गया। जाते समय बीच रास्ते में एक बैल आके उसे टकरा गया, ब्रेक डाला तो नहीं लगा और वो नीचे गिर गया। उसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर, देखो करण सिंह, तुम्हारे सर पे बहुत चोट लगी है, तुम अपनी याददाश्त भूल गए हो, मेरे दिए हुए दवाई खाकर कुछ दिनों के बाद पहले जैसा हो जाओगे, ठीक है ना, कह के बोला। सर, क्या मेरा नाम करण सिंह है? किसी फिल्म में किसी हीरो के साथ भी ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था, नाम याद नहीं आ रहा है, आप कौन है? कोई टीवी सीरियल देखने के जैसा मुझे क्यों देख रहे हैं? अरे मैं तुम्हारा पिता हूँ, ये तुम्हारी माँ, कह के बोला। ये कौन है? टीवी सीरियल का फुल पेमेंट आर्टिस्ट के जैसा उदास चेहरा बनाकर बैठा है, कह के पूछा। उसका नाम छोटू है, तुम उसके ही स्कूटर चलाते वक्त नीचे गिर गए, तब से लेकर वो बेचारा यहाँ पे रही है, कह के बोला। थैंक यू सर, पर आपने मुझे स्कूटर क्यों चलाने दिया, क्या मैं वो पूछ सकता हूँ, कह के पूछा। मन ही मन खुश होकर, स्कूटर बहुत अच्छा है, माइलेज कितना दे रहा है कहकर चेक करने के लिए आप ले गए भैया, और ये हालत हुई, कह के बोला। बाद में करण सिंह अपने घर पे बुक देखते हुए, मम्मी इस किताब में कुछ हिसाब लिखे हैं, मैं इससे पहले क्या करता था, कह के पूछा। तुम लोगों को कर्जे में पैसा देकर उन्हें परेशान करके खून चूसते थे, वही तुम्हारा प्रोफेशन है, उस किताब में सारी जानकारी लिखना तुम्हारी आदत है, कह के बोला। वाओ, व्हाट ए वंडरफुल प्रोफेशन, मेरी याददाश्त चली गई, उस बात का खबर गांव में अगर किसी को मालूम पड़ा तो वो लोग कर्जा चुकाना भूल जाएंगे, ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, कह के बोला। छोटू करण सिंह की याददाश्त जाने की बात गांव में सबको बताया, सभी खुशी में पागल होकर डांस किए, हे 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 करके डांस करने लगे। अबे ए, ऐसे डांस मत करो, वो बहुत होशियार है, वो किसी ना किसी किताब में हमारे कर्जे का पूरा हिसाब लिखा होगा, पहले उसे ढूंढना होगा, कह के चिल्लाया। उसके बाद छोटू एक दिन चुपचाप करण सिंह के घर के पास जाकर खिड़की में से देखने लगा। तभी करण सिंह एक हाथ में बुक पकड़कर दूसरे हाथ में पेन लेकर उससे अपने बदन पे कुछ लिखता हुआ नजर आया। वो देखकर उसकी माँ, क्या कर रहे हो, कहाँ पर जा रहे हो, कह के पूछा। माँ, कर्जा चुकाने वालों का हिसाब है ये, हर रोज एक एक के पास जाकर उन्हें पकड़ के नहीं मांगा तो ब्याज नहीं भरेंगे। उस बात को सुनने के बाद छोटू तुरंत अपने बैच को फोन किया। करण सिंह घर से बाहर निकलकर ऐसे चलते हुए जाकर एक के घर के पास रुका और अपने हाथों के ओर देखा। राम प्रसाद, कर्जा 10,000, घर नंबर 15, हाँ यही घर है। ए राम प्रसाद, ए राम प्रसाद, बाहरा बाहरा, कह के चिल्लाता गया। उतने में एक आदमी बगल के वाटर टैंक का पाइप निकालकर करण सिंह के ऊपर पानी डाला, लिखे हुए नंबर सारे मिट गए। तब राम प्रसाद बाहर आकर, जी कौन है आप, क्यों ऐसे चिल्ला रहे, क्या चाहिए आपको, कह के पूछा। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, कृपया बताएंगे, और आप कौन है, कह के पूछा। तभी छोटू बड़ी चालाकी से किताब को हासिल किया और उसे जला डाला। बाद में सभी गांव वाले एकजुट होकर, हे 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 पनवती चली गई है, हे 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 पनवती चली गई है, हे 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 कहते डांस करने लगे। उसी रास्ते से गुजरता, कौन है आप, क्यों इतने आनंद में नाच रहे हैं, कह के पूछा। गांव में कुछ अच्छा होता है
तो ऐसे ही डांस करते हैं। ये हमारी गांव की प्रथा है। हमारे गांव की पनवती आज चली गई है मालूम है, कह के बोला। सच में बहुत अच्छा हुआ, तो मैं भी डांस करता हूँ। हे 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 पनवती चली गई है, हे 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 पनवती चली गई है, हे 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 गांव की पनवती चली गई है, हे 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 कहकर वो सबके साथ खुशी खुशी नाचने लगा। फनी न्यूज रिपोर्टर। एक शहर में आज का झूठ टीवी चैनल पर फालतू लाल नाम का रिपोर्टर काम करता था। एक दिन एक नया रिपोर्टर ने ज्वाइन किया तो उसे देख फालतू लाल, देखो भैया आजकल न्यूज चैनल का न्यूज बॉलीवुड की फिल्म की तरह होने चाहिए, हमारे हर न्यूज में रोमांस, क्राइम, ट्रेजेडी, ड्रामा सब का मिश्रण होना चाहिए, वास्तव और काल्पनिक का सब मिलाकर हमको बताना चाहिए, जितना मसाला जोड़ोगे उतना TRP बढ़ेगा, समझे, ऑल द बेस्ट। एक दिन सड़क पर जा रही एक कार का संतुलन बिगड़ा और वो लुढ़क कर गिर गई। उसमें फंसा एक आदमी बाहर निकल नहीं पाया था। बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रहा था। तुरंत फालतू लाल वहां पहुंचा। कार में फंसा व्यक्ति, सर बचाइए सर, बाहर निकालिए सर, कहने लगा। बताइए ये दुर्घटना कैसी हुई, आप कितने लोग हैं, कार चला कौन रहा था? सर पहले बाहर निकालिए, मैं अकेला हूँ, प्लीज सर। कहिए कहाँ जा रहे थे, ये दुर्घटना हुई क्यों? सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बाहर निकालिए सर, प्लीज सर। देखा, लिमिट से ज्यादा तेज चलाकर दुर्घटनाग्रस्त हुई ये कार, बाहर निकालिए कहकर हाथ जोड़ता हुआ ये चालक। वैसे ये दुर्घटना हुई कैसे, उसी से पूछते हैं। याद रहे ये खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाया है आज का झूठ चैनल ने। सर बाहर निकालिए सर, कम से कम किसी और को तो आवाज दीजिए सर। बताइए ये दुर्घटना के समय आप नशे में तो नहीं थे, किसी पार्टी से लौट रहे थे क्या? दुर्घटना रोकने में असमर्थ पुलिस, सड़क की हालत को ठीक करने में विफल सरकार, ये हो क्या रहा है अपने समाज में? सर मुझे बाहर निकालेंगे तो मैं सब कुछ बताऊंगा, बहुत जरूरी और बहुत दिलचस्प विषय है मेरे पास बताने के लिए। अच्छा ये बात पहले बताना चाहिए था ना, मुझे बड़े मसाला ही चाहिए, कहकर उसे बाहर निकाला। बाद में फालतू लाल, बताइए वो दिलचस्प विषय क्या है? एक बार पूछे गए सवाल को बार बार पूछकर बेजार करने वाला एक रिपोर्टर, मुसीबत में सहायता ना करके धीरज की परीक्षा लेने वाला एक रिपोर्टर, किए गलती के लिए भारी कीमत चुकाने वाला एक रिपोर्टर, बकवास सवालों के कारण अभी पिटने वाला एक रिपोर्टर। इतना कह रहे हो पर वो रिपोर्टर है कौन? वो तू ही है बे, कहकर फालतू लाल को खूब मारा। एक बार भारी तूफान के वजह से एक सारा इलाका पानी में डूब गया। फालतू लाल नाव में बैठकर उन इलाकों की कवरेज करने के लिए जा रहा था। कुछ लोग पानी में डूब रहे थे, भैया बचाओ बचाओ भैया कहकर आवाज लगाने लगे। यूं चिल्ला रहे एक व्यक्ति के पास जाकर फालतू लाल, कहिए इस बाढ़ में आप कैसे फंसे, बचने की कोशिश नहीं की? आपके साथ और कितने लोग पानी में डूब गए? अबे तैरते हुए तुझे इंटरव्यू देना मुझसे नहीं होगा, बाहर निकालोगे तो सब कुछ बता सकूंगा। तो देखा आपने कितने लोग तूफान में फंसे हैं? वहाँ देखिए कुछ लोग घर के छत पर चढ़े हुए हैं, उनसे जाकर पूछते हैं, कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं, कहकर नाव लेकर उनके पास गया। बताइए जब ये तूफान आया तो आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोगों को तूफान आने की चेतावनी नहीं दी गई क्या? सर समय पर भगवान की तरह आए हैं, कृपा करके हमें नाव में बिठा कर ले जाइए सर, आपको बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है ब्रदर, सरकार की है, मेरा काम है रिपोर्टिंग करना। बताइए इस छत पर कितने दिनों से हैं, आप तक सहायता नहीं पहुंची? सर सरकारी टीम हमारे लिए आए या ना आए, एक व्यक्ति भगवान बनकर हमारे लिए हमारे पास आया सर। सच कौन है वो? वो तू ही है, कहकर डंडे से सिर पर जोर से मारा तो फालतू लाल पानी में गिर गया। वे सब नाव चढ़कर वहां से चले गए। एक बार फालतू लाल एक जगह रिपोर्टिंग कर रहा था,
पीछे एक घर में आधा कार घुसा हुआ था। वहाँ कैमरामैन कालिया के साथ फालतूलाल रिपोर्टिंग फ्रॉम बुलबुल नगर कहकर साथ खड़े व्यक्ति से कहिए, ये हादसा हुआ कैसे? कुछ नहीं सर जी, उस कार का ड्राइवर को शराब पीने की लत है। कल रात को एक और पैग ला बार में जाकर उसने पूरा पिया, फिर बिरयानी भी खाया, फिर जर्दे वाला पान लेकर कार चलाकर निकला। तभी उसकी पत्नी ने फोन किया और कहा, घर जल्दी आ जाओ। फोन पर बात कर रहा था तो सड़क के बीच में एक कुत्ता आया। उस कुत्ते को बचाने के चक्कर में ब्रेक नहीं लगी और वो यूं कार घर में जाकर घुस गई। अरे वाह, ये इस खबर में बहुत मसाला है। शराब है, जर्दे वाला पान, कुत्ता, फोन, एक्सीडेंट। वैसे क्या आप इस घर के मालिक हैं? नहीं सर जी। नहीं, पर सब कुछ ऐसे बता रहे हो जैसे ड्राइवर के पास बैठकर आपने सब कुछ देखा हो। वैसे आप हैं कौन? वो कार चलाने वाला ड्राइवर मैं ही था। बस फालतू लाल बेहोश होकर गिर गया।